सुबह प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपका स्वागत करता हूँ। हमारी आराधना की तैयारी शुरू है और हर रविवार इस जगह पर हम तीन आराधनाएं लेते हैं। शनिवार को दो आराधनाएं इस जगह पर होती हैं और नेपाली सर्विस से हमारी शुरुआत होती है। इसके अलावा हमारी अन्य जगह पर चार पांच और शाखाएं रविवार के दिन चल रही है और खुदावंत का काम एट फाउंडेशन के ज़रिए फैलता जा रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें बुलाया ही इसलिए है कि हम उस यीशु मसीह का सुसमाचार सारे जगत के लोगों को सुनाएं। और आज एक खूबसूरत सा प्रसिद्ध वचन मैं आपके उत्तेजन के रूप में आपको देना चाहता हूँ। मत्तयी सुसमाचार उसका पाँचवा अध्याय और उसकी 14वीं आयत में लिखा है, जिस वचन को हम लोग कई सालों से पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, और लिखा है कि तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता। लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीप स्तंभ पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। इसी प्रकार तुम्हारा प्रकाश मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। तुम जगत की ज्योति हो। मित्रों, आज मैं आपको उत्तेजन देना चाहता हूँ। यदि शून्य से मैंने अपने सेविकाई की शुरुआत की और 2006 में चर्च को स्थापित मैंने किया। हालांकि मैं समझता हूँ कि चर्च की स्थापना करना ये मेरी बुलाहट नहीं, लेकिन अगुओं को तैयार करना यही मेरी बुलाहट है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जगत के लोग इस बात को समझे कि परमेश्वर कलीसिया का न्याय करने के लिए इस दुनिया में आ रहा है। और ये इवेंजेलिकल, ये सुसमाचार की सभाएं, ये पर्याप्त मात्रा नहीं है। यदि आप स्वर्ग के राज्य में पहुंचना चाहते हो तो कलीसिया का एक अपना महत्व है और परमेश्वर कलीसिया का न्याय करने के लिए आ रहा है। ये आवश्यक है कि आप यहाँ वहाँ सभाएं आप अटेंड कर रहे हो, आप जा रहे हो, लेकिन ये आवश्यक है कि आप किसी आप कलीसिया के साथ जुड़े रहे। ये आवश्यक है कि भेड़ों के पास अपना कोई चरवाहा हो जो नियमित रूप से उनको मार्गदर्शन करे। और आज मैं आपको उत्तेजन देना चाहता हूँ। शून्य से जिस काम की मैंने आज शुरुआत की है, आज तकरीबन पुणे में हमारी 12 शाखाएं आज स्थापित हैं और इसी जगह पर मैं तकरीबन 5 सर्विसेस 5 सभाएं में ले रहा हूँ। इसके बाद हमारा अपना जो चर्च है पोर्टर्स हाउस चर्च, साउंड प्रूफ चर्च, वहाँ पर शाम की सभा होने वाली है। और मैं आपको उत्तेजन देना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपको बताना चाह रहे हैं कि तुम जगत की ज्योति हो। यू आर द लाइट, तुम जगत की ज्योति हो। मैं ज्योति हूँ, ये बात मेरी समझ में आ गई। मेरी कलीसिया ये ज्योति है, ये बात उनकी समझ में आ गई। लेकिन आज मैं आपको उत्तेजन देना चाहता हूँ कि ईश्वर आपको ये बताना चाह रहा है कि तुम जगत की ज्योति हो। केवल 2 बातों पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। पहली, कि आप परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण हो। आप परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण हो। आप जैसे भी हो, आपके पास जो भी गुणधर्म हो, आपके पास कितनी बुद्धि, कितना ज्ञान है, आप कितने बड़े धनवान हो, यह महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन मित्रों, आज मैं आपको यही उत्तेजन देना चाहता हूँ। यदि आप उद्धार पाए हुए लोग हैं, यदि आपका विश्वास है कि यीशु मसीह ने उसके लहू से आपको शुद्ध किया है, तो इस बात को आप समझ लीजिएगा कि आप परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण हो। यू आर इंपॉर्टेंट फॉर द गॉड। प्रभु ने आपको महत्वपूर्ण स्थान दिया है। यूसुफ को यह बात समझ में आ गई और जब उसने सपना देखा तो उसने देखा कि सूरज, चांद, तारे उसका नमन कर रहे हैं, उसकी इबादत कर रहे हैं। मेरे भाई, मेरी बहन, और परमेश्वर ने मूसा को इस बात को समझाने की कोशिश की कि मूसा तुम जगत की ज्योति हो। परमेश्वर ने अब्राहम को उर देश से बुला लिया, एक मूर्ति पूजा करने वाला अब्राहम, एक मूर्ति पूजा के वंश से ताल्लुक रखने वाला अब्राहम, और लिखा कि उसके पूर्वज ये मूर्ति पूजा करते थे। लेकिन परमेश्वर ने उसको इस बात का एहसास दिलाया कि तुम जगत की ज्योति हो। यू आर इंपॉर्टेंट फॉर गॉड। अब परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण हो। सेकंड, दूसरा मुद्दा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आप तभी महत्वपूर्ण हो जब आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हो। आप तभी महत्वपूर्ण हो, प्रभु आपको तभी महत्वपूर्ण बनाएगा जब आप खुदा के साथ जुड़े हुए हो। एक बार एक शख्स ये जो कबीले में रहता था, जो गांव में रहता था, और ऐसा शख्स ये शहर में आया
और शहर में एक पादरी साहब के साथ उसकी मुलाकात हुई और प्रभु के सेवक के घर में जाकर उसने एक अजब नज़ारा देखा कि ऊपर एक बल्ब लगा हुआ है और बल्ब से रोशनी निकल रही है। और इस साधारण से मनुष्य को जो कबीले में रहा करता था, जहाँ पर ज्योति का आविष्कार नहीं है, लोगों को ज्योति क्या बल्ब क्या मालूम नहीं है, उसको ये बल्ब देखकर बड़ा आश्चर्य लगा और उसने कहा कि पास्टर साहब, क्या ये जो चीज़ आपके घर में लटक रही है, जो रोशनी दे रही है, क्या ये चीज़ मुझे मिल सकती है? और पास्टर साहब ने उसको बताया कि इस बल्ब कहा जाता है। और पास्टर साहब के पास एक अतिरिक्त एक एक्स्ट्रा बल्ब था, उन्होंने उस बल्ब को उस मनुष्य को दे दिया। वो मनुष्य उस बल्ब को लेकर अपने कबीले में चला गया। और फिर कुछ महीनों के बाद हुआ यूं कि प्रभु के यही सेवक, यही पासवान और उस कबीले में इस मनुष्य के पास विजिटिंग करने के लिए गए, उसके साथ मुलाकात करने के लिए गए। और आपको मालूम हुआ, इस सेवक को बड़ा आश्चर्य लगा कि जैसे ही वो उसके झोपड़े में पहुंचे, उन्होंने देखा कि इस मनुष्य ने उस बल्ब को एक रस्सी के सहारे लटका कर रखा है, उस बल्ब को रस्सी के सहारे लटका कर रखा है इस आशा में कि वो ज्योति देगा। और फिर सेवक ने उसको बताया, इस बल्ब को यदि आप जलाना चाहते हो, उसके लिए वायर का लगना जरूरी है और उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। जब तक बिजली नहीं होगी, ये बल्ब नहीं चलने वाला। और बिजली भी उस बल्ब के साथ तार के जरिए जुड़नी आवश्यक है। मेरे भाई मेरे बहन, कई लोग कलीसिया के साथ नहीं जुड़े हुए हैं, कई लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं जुड़े हुए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप तभी महत्वपूर्ण बनोगे जब आप उस खुदा के साथ जुड़े हुए हो। तुम जगत की ज्योति हो। हाँ मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर ने आपको अंधियारा नहीं बनाया है, परमेश्वर ने आपको ज्योति बनाया है। जिस प्रकार से जब परमेश्वर ने इस जगत की निर्मिति की, उस वक्त परमेश्वर ने आसमान में, अंतरिक्ष में उसने ज्योतियों को देने के लिए अलग अलग जरिए उसने बनाए, उसने सूरज बनाया, चंद्रमा बनाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस पृथ्वी पर जब प्रभु ने आपको रखा है, उसने आपको ज्योति के रूप में रखा है। लिखा है कि तुम जगत की ज्योति हो, लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीप स्तंभ पर रखते हो। और लिखा कि जो नगर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता। क्या मतलब है इसका? मेरे भाई मेरी बहन, अपने पहाड़ी प्रवचन में परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने इस बात को सिद्ध कर लिया कि विश्वासी को उसने नीचे जमीन पर नहीं लेकिन उसने ऊंचाई पर रखा है, उसने पहाड़ी पर रखा है। फर्क केवल इतना कि हमको ढक कर रखा गया है। आप एक ढके हुए उस दीप के समान हो जो लोगों के सामने नहीं आ रहा। इस बात को, इस ताकत को आप समझ जाइए कि हर विश्वासी महत्वपूर्ण है। केवल आप अपनी आंखें उस सेवकों के पास मत लगाइए, प्रभु खुद आपको एक सेवक बनाना चाहता है, प्रभु खुद आपको उसके काम के लिए चुनना चाहता है। यह बात मेरी समझ में आ गई। यह बात मैं आज आपको समझाना चाहता हूं कि तुम जगत की ज्योति हो। और दो मुद्दे मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि आप जगत की ज्योति हो, इसका मतलब है कि परमेश्वर के लिए आप महत्वपूर्ण हो। और दूसरा, आप प्रभु के लिए तभी महत्वपूर्ण हो जब आप उस ईश्वर के साथ जुड़े हुए हो। प्रभु आपको उसकी सेविकाई के लिए वो ताकत दे, सामर्थ्य दे। और आप जिस भी क्षेत्र में रह रहे हैं, वहां के अंधियारे को आप अपने ज्योति के द्वारा आप निकाल फेंके। यही कामना, यही प्रार्थना मैं करता हूँ। प्रभु यीशु आपका इस्तेमाल करें।